हेलो व्यूअर्स, दिस इज लक्ष्य। वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज है 17th ऑफ फेबर और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और इस राइड का बहुत ही दिनों से इंतज़ार था मेरे को भी और आपको भी, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे थे कि कब ये राइड स्टार्ट होगी, कब इस राइड के व्लॉग्स आएंगे। बट व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। सो रिसेंटली अभी पुलवामा कश्मीर में अटैक हुआ था अपने इंडियन आर्मी के ऊपर, जो कि किया था टेररिस्ट ने, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियन सोल्जर शहीद हो गए बहुत ही बड़े नंबर के अंदर। तो हमारी कंट्री को बहुत ही बड़ा लॉस है। इससे करना ये है, जो हमारे इंडियन सोल्जर शहीद हुए हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट करना है। और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, भारत के वीर, तो वहाँ पे जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आप पेटीएम पे कर सकते हैं। उस पेटीएम का जो लिंक होगा मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप डायरेक्ट वो गवर्नमेंट को डोनेट करें। और ऐसे डोनेट करें, अगर आप इस हाथ से डोनेट कर रहे हो तो इस हाथ को भी ना पता चले कि आपने कितना डोनेशन किया। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, स्नैपचैट पे अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं कि मैंने इतना डोनेट करा। सो गाइस, आपकी मर्जी, आपको जितना डोनेट करना है करो, बट उसको सोशली मत दिखाओ कि मैंने इतना किया इतना किया, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। करो तो अपने दिल से, किसी को दिखा के नहीं। सो गाइस, राइड पर निकलने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कैरी कर रहा हूँ। और इस राइड के लिए, नॉर्थ ईस्ट की राइड के लिए, मेरे राइडिंग गियर पार्टनर है राइनॉक्स, जिनकी मैंने अभी राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, ईवो L3। सो इसमें बहुत सारे की फीचर्स हैं बताने के लिए, जो कि मैं आपको राइट बताऊंगा, बट मेन मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसके अंदर है चेस्ट प्रोटेक्टर, जो कि इस बजट की जैकेट्स में देखने को बहुत कम मिलता है। और इसका बैक प्रोटेक्टर है L3 का, वेस्ट बेल्ट है, और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको राइट पर बताऊँगा। पैंट्स मैंने पहन रखी है राइनॉक्स की, बूट्स मेरे BBG के हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम राइड पर पहने थे। और एक बार मैं आपको लगेज में बता देता हूँ। तो लगेज बैग में है ये राइनॉक्स का एक्सपीडिशन बैग, जो कि ड्राई बैग है, और ये भी ड्राई बैग है जो कि छोटा वेरिएंट आता है। इसके अंदर मेरा ड्रोन वगैरह है, इसमें मेरे क्लोथ्स, लैपटॉप वगैरह सब कुछ है। और ये है मेरा कैमरा बैग, जो कि है लोप्रो का, जिसके अंदर कैमरा गियर सारी एक्सेसरीज हैं, DSLR लेंस, ये मेरे OnePlus का चार्जर, यहाँ पे सेल्फी स्टिक। सो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस फेस के अंदर एक क्रॉस कंट्री राइड भी इंक्लूडेड है, जो कि होने वाली है नेपाल की। तो जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, क्योंकि नेपाल में मीटअप होने वाला है पोखरा के अंदर, काठमांडू के अंदर। तो इंस्टाग्राम पे लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो जाके वहाँ पे फॉलो करो, यहाँ पे लिंक आ रहे होंगे। तो सारा सामान है रेडी, मेरा GoPro माउंट हो चुका है हेलमेट के ऊपर, ये रहे मेरे ग्लव्स। और तो ये है PUBG हेलमेट L3 का, बहुत बड़ा PUBG का फ़ैन हूँ, तो इस बार ये की चेन लगाने वाला हूँ मैं अपनी चाबी पे, और ये वाला उतार दूंगा। इस समय मेरी कुछ एंटोर की चाबी लग रही है ऐसी, L3 का हेलमेट है और पूरा मिलिट्री डिज़ाइन है इसके ऊपर। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं राइड पे, बैग माउंट करने मेरे को स्कूटी पे। और आज का सफ़र होने वाला है 900 किलोमीटर का, जो कि होगा सनौली बॉर्डर तक, जो कि नेपाल का बॉर्डर है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और कोशिश करेंगे कि शाम को 6-7 बजे तक पहुँच जाएँ। और 500 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे मिलेगा, जो कि 200 किलोमीटर आगरा, 300 किलोमीटर लखनऊ। तो चलते हैं नीचे। सो गाइस, बैग माउंट हो चुका है पीछे की तरफ। फिलहाल मैंने स्कूटी में कुछ लाइट्स इंस्टॉल कर ली थी, जो कि ये वाली थी फॉग लैंप्स, और इसमें मैंने येलो रैप चढ़वाया, जो कि फॉग में चलाने के लिए आसानी करता है, कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि भाई इस पर येलो पेपर चढ़ा दो तो फॉग में विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और सेम मैंने करा इसकी मेन हेडलाइट के साथ, इस पर भी मैंने येलो रैपिंग करवा ली है, और टायर्स के अंदर वाइट हुआ है, जिससे थोड़ी सी विजिबिलिटी बने अंधेरे के अंदर। जब इस पर थोड़ी सी भी लाइट पड़ेगी तो ये व्हील्स मेरे चमकेंगे, जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। तो एक बार मैं आपको लाइट्स दिखा देता हूँ। तो ये मेरे फॉग लैम्प्स का बटन है, ये हज़ार्ड लाइट का बटन है, तो मैं फॉग लैम्प्स आपको जला कर दिखाता हूँ। तो बैक साइड में मैंने फ्लैशर्स लगवाए हैं, जो कि ये है। और राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पाम रेस्ट लगाया, क्योंकि जब आप थ्रॉटल देते हैं तो आपका हाथ ऐसे पूरा घूम जाता है, इससे पूरा नहीं घूमेगा, आप इस पर ऐसे रख सकते हैं और रेस भी चलती रहेगी और आपका हाथ भी दर्द नहीं होगा। तो जितनी भी एक्सेसरीज हैं, ये सब जो मैंने स्कूटी भी लगाई है, इस सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, की चेन का भी, लाइट का भी, ब्लिंकर्स का भी। और प्लीज़ डोनेट करें अपने इंडियन आर्मी की फैमिलीज़ को। तो अब चलते हैं राइड पर। चलो मैं जा रहा हूँ फिर। टैंक मैंने रात को रिफ्यूल करा लिया था, क्योंकि जब मेरे को सुबह सुबह निकलना होता है तो बहुत मुश्किल होती है, पेट्रोल पंप जाओ भरवाओ, तो एक दिन पहले ही भरवा लो बेस्ट रहता है। और अभी टोटल मेरी स्कूटी रन हो चुकी है 6800 किलोमीटर्स, और मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जब मैं राइड कंप्लीट करके वापस आऊँगा
तब ऑलमोस्ट 15-16,000 किलोमीटर्स चल जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की ओर। और बहुत टाइम से इंतज़ार था मेरे को इस राइड का, फाइनली आज वो दिन आ गया और राइड की शुरुआत हो रही है। अब आपको भी व्लॉग्स देखने में मज़ा आएगा। आज संडे का दिन है तो ऑपोजिट रोड पे बहुत ही सारी सुपर बाइक जा रही हैं। तो यार सुपर बाइक की जो आवाज़ होती है ना, उसको सुन के मन करता कि एक दिन बाइक ले ले। बट अपनी USP स्कूटी है, कोई नहीं, अपना भी टाइम आएगा बहुत जल्द। सो गाइस अभी D&D में वेट कर रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड का और वो आ चुका है यहाँ पे, हर्षित AKA HS व्लॉग्स। तो भाई इनकी सवारी कुछ अलग है, कभी बाइक, कभी KDM, कभी एप्रिलिया, कभी एंड टोर्क। हर्षित जेवर तक जाएगा, वहाँ से चाय पी के मैं निकल लूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ लेट। अब बज रहे हैं 7, तो चलते हैं फटाफट। सो गाइस कलर कितना अच्छा लग रहा है पेड़ों का, और उस साइड भी बुशेस कितने बढ़िया कलर के लग रहे हैं। सो गाइस अब मैं एंटर हो रहा हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे, और आगरा है यहाँ से 185 किलोमीटर्स और लखनऊ 500 के आसपास है। तो 500 किलोमीटर तक मेरे को एक्सप्रेस वे मिलेगा, तो जितना मैं जल्दी ये डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ वो करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को हाईवे मिलेगा लखनऊ से आगे तक, सनौली तक। फॉग डेंसिटी शायद ज़्यादा होगी अभी एक्सप्रेस वे पे। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो अभी जेवर पे होल्ड लेंगे टी ब्रेक, देन हर्ष चल जाएगा और मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू रखूँगा। सो गाइस जेवर यहाँ से 20 किलोमीटर है और अब थोड़ी फॉग मिलनी मेरे को स्टार्ट हो चुकी है। Z900 कावासाकी। सो गाइस जेवर पहुंच चुके हैं और ये जेवर का टोल है, और टोल क्रॉस करते ही जस्ट इसके आगे शिवा ढाबा है, वहां पे रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं कि यहां से डायरेक्ट लखनऊ का भी टोल मिल जाएगा नहीं मिलेगा, नहीं तो आगरा तक का ले लेंगे। हाँ आगरा का सिंगल यहाँ से तो 205 रुपये का है आगरा तक का, और हर्षित ले रहा है यूटर्न का क्योंकि अब शिवा ढाबा से ब्रेकफास्ट करके अपना वापस जाएगा दिल्ली। और बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है, धूप निकल चुकी है, होप कि आगे अब फॉग ना मिले। तो यूटर्न का टोल महंगा पड़ गया, हर्षित को करा परांठे में सारी GST लग गई मेरे यहीं से। पहले 40 का यूटर्न होता था, अब कितने का, 95 का। ओहो बड़ा महंगा पड़ गया परांठा तेरे को। इसके चाय पकौड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं शिवा ढाबा के, और हमेशा भीड़ ही लगी रहती है यहाँ पे। सो गाइस अभी आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी में हूँ, अपना कैमरा बैग नहीं खोलूंगा। तो अभी मेरे पास 1+60 आ चुका है, तो इसकी वीडियो क्वालिटी बताओ कैसी है। बड़े बड़े लोग 4K कैमरा यूज कर रहे हैं ये। सो गाइस मैं तो चाय पी चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया है। कैसी है पकौड़ा? तो अच्छा, चाय टेस्ट करते हैं। क्या बोल रहा है पकौड़ा? पकौड़ा तो अच्छा है, चाय टेस्ट करते हैं। पियो पियो, इलायची वाली मस्त चाय है। चलो भाई बाय बाय। ओके भाई सी यू सून, राइट से जरूर मिलेंगे। ओके भाई और अपडेट्स करते रहना। बैक टू रोड। फोन मैंने कनेक्ट कर रखा है इसकी स्मार्ट स्क्रीन से, तो जो भी फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं मेरे को पता लगते रहेंगे मेरे फ़ोन में बैटरी कितनी है, नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे, किसका कॉल आ रहा है, नाम भी लिखा आ जाता है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है राइड्स पे, जो कि बहुत ही लिमिटेड स्कूटीज़ के अंदर होता है ये सब फीचर। एक्सप्रेसवे का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप
टू व्हीलर पे हैं तो आप बहुत ही बोर हो जाते हैं सीधी रोड देख देख के। कार में टाइम का पता नहीं चल पाता क्योंकि कार थोड़ी सी तेज़ चलती है तो डिस्टेंस भी जल्दी कवर हो जाता है। और अभी मैंने एवरेज स्पीड अपनी मेंटेन करके रखी है 80 किलोमीटर्स की। और अभी ये मथुरा का टोल प्लाजा आ चुका है और मैं अपने घर से आ चुका हूँ 150 किलोमीटर्स। जो इसके बाद जो पेट्रोल पम्प आएगा वहाँ से मेरे को अपना टैंक रिफ्यूल करवाना है। देन जेरी कैन जो मैं लेके आया हूँ अपनी 6-7 लीटर्स की जो है वो मेरे को फुल करवानी है, क्योंकि जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है 300 किलोमीटर तक मेरे को कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर मैं गया था, हो सकता है फ्यूल स्टेशन बना दिए गए हों लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, तो देखते हैं कैसा रहता है। सो गाइस ये आखिरी पेट्रोल पंप है इस एक्सप्रेस वे का, आगरा एक्सप्रेस वे का। अभी मैं वृंदावन में हूँ तो यहाँ से टैंक रिफ्यूल करा लेता हूँ और जेरी कैन भी भरवा लेता हूँ जिससे मेरे को आगे दिक्कत ना हो। सो गाइस 680 रुपीस का आया इन टोटल, लीटर्स मैंने नहीं देखे। ही कैन पूरा भर के अब ये हिल भी नहीं रहा। मैंने यहाँ से बंजी कॉर्ड बांध दी है, एक वाटर बॉटल ख़रीदते हैं फिर चलते हैं लखनऊ की तरफ। तो गाइस ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो यहाँ से मेरे को लेफ़्ट लेना है और इसके बाद 300 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए पीने के लिए नहीं। होप कि अब लगता है कि कोई शॉप्स खुल गई हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर आया था तब ऐसा कुछ था नहीं। रोड से नीचे उतर के जाना पड़ता था गाँव में, वहाँ पर टी स्नैक्स वगैरह लेने पड़ते थे। सो लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट। और 230 किलोमीटर्स में आ चुका हूँ दिल्ली से और ये LED लाइट्स हैं सारी, रात को काफ़ी अच्छा दिखता है ये, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। अभी 20 किलोमीटर हुए हैं मेरे को एक्सप्रेसवे पे आए हुए और टोल प्लाजा आ गया है, तो देखते हैं यहाँ पे टू व्हीलर्स का टोल लगता है नहीं लगता। हाँ कितने का लगेगा? जैसे कि आपने सुना 290 रुपीज़ का टोल है यहाँ का। कितने टोल पड़ेंगे बीच में भी और लाल सकना हुआ। सो गाइस फ्यूल कैरी करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट के साथ यहाँ पे फ्यूल स्टेशन भी है। तो लास्ट ईयर में आया था तब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तब ये फेंसिंग वगैरह भी बहुत कच्ची पक्की होती थी। तो अब यहाँ पे फूड कोर्ट है, फ्यूल स्टेशन है, रेस्ट रूम्स हैं, तो अब तो मैंने फ्यूल ले लिया, अब तो मेरे को रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर लखनऊ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं दिल्ली से आ चुका हूँ ऑलमोस्ट पूरा 345 किलोमीटर्स। बट सेफर साइड के लिए आपके पास फ्यूल होना ही चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस सडनली ये प्लान चेंज हो गया क्योंकि मेरे को आ रही थी नींद, पता नहीं क्यों। मैं नींद पूरी करके चला था घर से बट एकदम से एक झपकी लगी मेरे को, फिर मैंने कहा लक्ष्य अब सही नहीं, अब तो रुक जाते हैं। क्योंकि राइड करते हुए नींद को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अगर नींद आ रही है तो भाई साहब या तो रुक जाओ या तो कहीं आसपास रूम लेकर सो जाओ, ज़बरदस्ती मत करो बॉडी के साथ, जितना तुम्हारी बॉडी अलाउ करती है उतना ही करो। तो फटाफट मैंने ओयो बुक करा, फिर सुबह निकलते हैं नेपाल के लिए। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने होटल और ये है चिन्मय रिजॉर्ट सुल्तानपुर रोड पे। और रीज़न ये था लखनऊ रुकने का क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी और एक दो झपकियाँ लगी, तो मैंने कहा रेस्ट नहीं लेना, यहाँ पे स्टे करते हैं, सोते हैं और अगले दिन जर्नी कंटिन्यू करते हैं नेपाल की यानी कि पोखरा।
तो अभी तो मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद एक पावर नैप लेता हूँ और कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी लखनऊ की मार्केट एक्सप्लोर करें अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो एडिटिंग कर लूँगा व्लॉग, सो जाऊँगा और नेक्स्ट डे सुबह जल्दी जल्दी स्टार्ट करनी है। तो जो भी डिसीजन होता है अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो गाइस, जस्ट अभी उठा हूँ, अभी बजे रात के 12 लगभग, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं सो गया था, बहुत ज़्यादा आ रही थी मेरे को नींद। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि कल मेरे को निकलना है पोखरा के लिए और सनौली बॉर्डर जाना है, वहाँ से अपने लिए बनवाना है भंसार और नेपाली करेंसी भी लेनी है क्योंकि नेपाल में आईसी चलती है और हमारा 1 रुपया वहाँ पे होता है 1.6, यानी कि एग्जांपल अगर 10,000 रुपये में करेंसी चेंज कराता हूँ तो मेरे को मिलेंगे 16,000 रुपये, और भंसार बनता है 118 रुपये कुछ का, तो वो भी मेरे को बनवाना है, पर डे का होता है क्योंकि नेपाल में होने वाला मीटअप, पोखरा में भी मीटअप होगा, काठमांडू में भी मीटअप होगा इन कोलैबोरेशन विद जॉस्टल। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सारी वहाँ पे मैं डिटेल्स दे चुका हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन राइड सेफ, दिस इज बॉर्न टू राइड, साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय 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 इंडिया। थोड़े से टाइम के लिए अब हम गुजरे नेपाल के अंदर।